बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, अर्थात जो चुड़िया एक सी होती हैं वो हमेशा साथ रहती हैं। जैसे जो लोग एक ही स्वभाव के होते हैं, जैसे जुआ खेलने वाले, शराब पीने वाले, चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। मिर्चे लगना कितनी साधारण बात है। इफ आई से समथिंग टू यू, यू विल फील ऑफेंडेड। अगर मैं तुमसे कुछ कह दूंगा ना तो तुम मिर्चे लग जाएंगे अभी। इस तरीके से जब हम बोलते हैं तो अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? टू फील ऑफेंडेड बाय समथिंग, किसी चीज से मिर्चे लग जाना, नाराजगी हो जाना, चिढ़न हो जाना। तुम्हें मिर्चे क्यों लग जाती हैं? तुम्हें हमेशा मिर्चे लग जाती हैं बिना बातों की अंग्रेजी आएगी फॉर नथिंग। Why do you, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, Why do you always feel offended for nothing? अरे बिना बातों तुम्हें हमेशा मिर्चे क्यों लग जाती हैं? Always माने हमेशा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तुम्हें हमेशा बिना बातों मिर्चे क्यों लग जाती हैं? Without rhyme और रीजन फॉर नथिंग की जगह कह सकते हैं। अब देखें, शी फील्स ऑफेंडेड, वो बुरा मान जाती है, उसे मिर्चे लग जाती हैं। यदि कोई लड़का है, आदमी है, ही फील्स ऑफेंडेड, उसे मिर्चे लग जाती है। डोंट क्रिटिसाइज हिम, उसे बुरा भला मत कहो, उसकी आलोचना मत करो। क्यों? ही फील्स ऑफेंडेड सून, या शी फील्स ऑफेंडेड सून, अर्थात उसको फौरन मिर्चे लग जाती है। डोंट क्रिटिसाइज हिम। अब यदि स्त्री है तो आप हर कर दीजिए यहां और यहां शी कर दीजिए। डोंट क्रिटिसाइज हर, शी फील्स ऑफेंडेड सून, बहुत जल्दी बुरा मान जाती है, उससे कुछ मत कहो, उसकी आलोचना मत करो। शी इज ऑफेंडेड बाय बिटर वर्ड्स एट वंस, फौरन बुरा मान जाती है। तुम जरा सी बात कहो, जरा सी कड़वी बात, उसे बर्दाश्त नहीं है, फौरन मिर्चे लग जाती है। शी इज ऑफेंडेड By bitter words at once. अब देखें, why did you feel offended by his words? He is nobody का अर्थ मैं बताता हूं आपको। अरे वो कुछ ना, you are nobody, तुम कुछ ना हो। I am nobody, मैं कुछ ना हूं। He is nobody, वो कुछ ना है यार, तुम उसकी बात का बुरा मान गए। Why did you feel offended by his words? उसकी बात का तुम बुरा क्यों मान गए? He is nobody, वो कुछ रहा है। यदि कोई महिला है तो कहेंगे she is nobody, अरे वो कुछ रहा है, उसकी बात का बुरा मत मानो। He is half mad, she is half mad, अरे वो आधा पागल है यार, उसकी बात का बुरा मान रहे हो तुम। इस तरीके से कह देते, There is nothing to be offended, अरे कोई मिर्चे लगने वाली बात तो इसमें कुछ है ना। There was nothing to be offended, मिर्चे लगने वाली बात तो उसमें कुछ थी नहीं। There will be nothing to be offended, वहां मिर्चे लगने जैसी बात कुछ होगी भी नहीं। कैसी लगी है मेरी वीडियो? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।